हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी के शुरुआत में हम लोग एक लड़की को देखेंगे जो कि देखने में बहुत खूबसूरत थी। उसके पिता उसकी शादी राजकुमार से करना चाहते थे, लेकिन वो तो अपने सौतेले भाई से प्यार करती थी। एक बार जब वो लड़की अपने सौतेले भाई के साथ गपागप कर रही थी, तभी इनके पिता की नज़र इन पर पड़ती है और इसके बाद क्या होता है ये हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम लोग राजकुमार मीन को देखते हैं। वो जंगल में शिकार करने के लिए निकला था। शिकार करने के बाद वो रात का खाना अपने भाई के मंत्री के यहाँ खाता है, लेकिन यहाँ आकर उसकी नज़र मंत्री जी के जवान बेटी सू पर पड़ती है। सू देखने में बहुत खूबसूरत थी। मीन जब उसे देखता है तब पहली नज़र में ही उसे प्यार हो जाता है, लेकिन वो इस वक्त ये नहीं जानता था कि सू किसी और से प्यार करती है। सू अपने पिता के गोद लिए हुए बेटे हो से प्यार करती थी और वो हो से शादी करना चाहती थी। अब सू को देखने के लिए मीन यहाँ रोज आया करता था। कुछ दिनों के बाद ये बात मीन की माँ यानी महारानी को पता चल जाती है। ये जानने के बाद वो मीन को बहुत डांटती है। मीन अपनी माँ की सारी बातों को मानता था। इसके बाद वो महारानी की बात को मानकर इस जगह से दूर चला जाता है। यहाँ पर हम लोग मीन के बड़े भाई को देखते हैं जो कि उसका सौतेला भाई था और उसका नाम ली है। ली की पत्नी की मौत हो चुकी है। ली का अपना कोई बच्चा नहीं था। वो महारानी के बुलाने पर उससे मिलने के लिए आया था। महारानी यहाँ उससे कुछ जरूरी बातें करती है। महारानी ये चाहती थी ली दोबारा शादी कर ले ताकि इस राज्य को वारिस मिल सके, लेकिन ली अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। इसके वजह से वो किसी से भी शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन महारानी जब जोर देती है तब ली दोबारा शादी करने के लिए मान जाता है। महारानी उसे बताती है, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देख रखी है। ली उससे पूछता है वो लड़की कौन है। तब महारानी उसे बताती है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मंत्री जी की बेटी सू है। असल में महारानी ने ली के पत्नी के रूप में सू को इसलिए चुना था ताकि वो मीन को इस लड़की से दूर रख सके, लेकिन जब ये बात सू को पता चलती है कि उसकी शादी ली से तय कर दी गई है, तब ये खबर सुनकर वो बहुत दुखी होती है। इसके बाद वो उसी रात अपनी प्रेमी हो के साथ में भाग जाती है। हो उससे ये वादा करता है कि हम लोग हमेशा साथ में रहेंगे। ये लोग यहाँ पर रोमांटिक बातें करते हैं और एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। इसके बाद यहीं पर हो सू के साथ घपाघप करता है। वो हो के साथ इंटीमेट होकर बहुत खुश होती है, लेकिन ये लोग साथ में ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाते हैं क्योंकि सू के पिता ने इन दोनों को ढूंढ लिया था। हो इन आदमियों से लड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अंत में हार जाता है। हो की जान को बचाने के लिए सू अपने पिता की सारी बातों को मान लेती है। यहाँ पर हो की जान बख्श दी जाती है, लेकिन उसने मंत्री जी की बेटी को भगाया था, इसलिए सजा के रूप में उसका हथियार काट दिया जाता है। कुछ ही दिनों के बाद सू की शादी ली से हो जाती है और वो अब रानी बन चुकी थी। ली की पत्नी बनने के बाद वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसे इस महल में सिर्फ वही सब करना पड़ता था जो कि उसे कहा जाता था। वो तो यहाँ अपने कपड़े भी नहीं पहन सकती थी क्योंकि उसके सारे काम यहाँ की नौकरानियाँ किया करती थी। ऐसे ही सू को यहाँ रहते हुए 5 साल बीत जाते हैं। सू इसी बीच एक बच्चे को जन्म दे चुकी थी। अब धीरे धीरे राजा की तबीयत काफी खराब रहती थी। अपने सौतेले भाई के तबीयत के बारे में सुनकर मीन उससे मिलने के लिए यहाँ आता है। वो अपने भाई से कुछ देर बातें करने के बाद वो सू से अकेले में बातें करता है। वो सू से मिलकर ये जानना चाहता था कि उसके भाई को क्या हुआ है। सू उसे बताती है ली पर कोई भी दवा का असर नहीं हो रहा है और वो कहती है उसे ऐसा लगता है उनके इस हालत का जिम्मेदार कोई और है। ये सुनकर मीन यहाँ से जाने लगता है, लेकिन यहाँ से जाने से पहले वो सू को एक हेयर पिन गिफ्ट में देता है। वहीं दूसरी तरफ मंत्री और बाकी लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि इतने दवाइयों के बाद भी राजा की हालत में सुधार क्यों नहीं हो रहा है। इनमें से कुछ ऐसा कहते हैं जैसे राजा को कोई जहर दे रहा है, इसलिए उन पर किसी दवा का असर नहीं हो रहा है। अब सब लोग यहाँ ये सोचने लगते हैं ऐसा यहाँ कौन आदमी है जो कि हमारे राजा को मारना चाहता है। दिन ब दिन ली की हालत और भी खराब होती जा रही थी। सू उसे चम्मच से पानी पिला रही थी। अचानक यहाँ पर राजा की सांसें बंद हो जाती है। इसके बाद वैद्य यहाँ आते हैं और वो राजा के सांस के नली में एक सुई चुभोते हैं। तभी राजा की सांस फिर से चलती है। तभी सू राजा से ये जल्दी से पूछती है आपके बाद इस राजगद्दी में कौन बैठेगा, लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले ही राजा की मौत हो जाती है। जब महारानी राजा को देखने के लिए उसके कमरे में आने लगती है तब सू उन्हें अंदर आने नहीं देती है क्योंकि इन दोनों सास बहू में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। राजा की मौत के बाद महारानी के पास उसका खास सलाहकार आता है। वो यहाँ आकर रानी को ये सलाह देता है तुम्हें अगले वारिस का ऐलान जल्दी से करना चाहिए नहीं तो सू इस राज्य को हथिया लेगी। ये आदमी महारानी का सलाहकार होने के साथ साथ महारानी का प्रेमी भी था। जब भी महारानी उसे अपनी प्यास बुझाने के लिए बुलाती थी वो अपना अनाकोंडा लेकर हाजिर हो जाता था। ये लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं और सलाह करने के बाद ये लोग यहीं पर काम क्रिया शुरू कर देते हैं। अगले दिन सू के पिता सू को ये बताते हैं राजा के मौत के पीछे कोई साजिश है। ये सुनकर सू उन्हें जांच पड़ताल करने के लिए कहती है, लेकिन इससे पहले कि मंत्री कुछ कर पाता महारानी के सैनिक यहाँ आकर उसे और उसके सारे साथियों को बंदी बना लेते हैं। महारानी का ऐसा मानना था कि सू का पिता जो कि मंत्री है वही गद्दार है और उसी ने राजा को खाने में जहर दिया था। राजगद्दी अभी खाली होता है इसलिए महारानी अपने बेटे मीन को इस राजगद्दी में बैठाती है।
सू और उसके छोटे से बेटे को इस महल से दूर भेज दिया जाता है। उन दोनों को रहने के लिए एक छोटा सा घर दिया गया था। सू के पास से सारी दासियां हटा दी जाती हैं और अब उसके पास सिर्फ एक ही दासी बची हुई थी जो कि उसके पिता के घर से उसके साथ आई थी। वहीं इधर महारानी की ताकत अब और भी बढ़ चुकी थी। महारानी की सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी और बहुत से सैनिकों को उनकी हिफाजत के लिए रखा गया था, लेकिन उनके हिफाजत में ऐसे सिपाहियों को रखा जाता था जिनका खड़ा नहीं होता था, और आज ऐसे ही सिपाहियों को महल में लाया गया था। इन्हीं में से एक सिपाही हो भी था। अब हो काफी ताकतवर हो चुका था। कुछ दिनों के बाद नए राजा मिन की शादी होती है। आज इन दोनों का सुहागरात था, लेकिन इन लोगों के साथ रूम के अंदर भी काफी लोग खड़े होते हैं और वो लोग उन्हें बता रहे थे उन्हें कब अपने आना कोंडा को गुफा में ले जाना है। इसके साथ साथ वो लोग उन्हें ये भी बताते हैं कि किस तरह से करने में ज्यादा मजा आता है। असल में राजा की शादी नई हुई थी और महल के लोग ये चाह रहे थे कि राजा का पहला संतान बेटा हो, इसलिए उसे कामा सूत्र के सारे आसन बताए जा रहे थे ताकि राजा मीन अपनी पत्नी के साथ ऐसा घपाघप करे कि उनका पहला बच्चा बेटा हो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग सू को देखते हैं जो कि अपने पति के कातिल को ढूंढना चाहती है। वो इस काम के लिए अपनी दासी से मदद मांगती है। वो दासी उसे बताती है जो रसोईया राजा के लिए खाना बनाता था वो राजा के मौत के बाद गायब है। वो सू को ये भी बताती है कि इस महल में एक खुफिया तहखाना है और वहाँ कैदियों को छुपाकर कैद में रखा जाता है। सू चुपके चुपके उस तहखाने में जाती है। यहाँ उसे कैद में राजा की रसोईया मिल जाती है। वो यहाँ आकर उससे ये पूछती है कि राजा ने बीमार होने से पहले क्या खाया था। तब वो रसोईया उसे बताती है उस दिन राजा ने अपनी माँ के यहाँ खाना खाया था, लेकिन मुझे ये बात पता नहीं है कि उन्होंने क्या खाया था। रसोईया की बात को सुनकर सू को ये यकीन आ जाता है कि महारानी ने ही राजा को जहर दिया था, लेकिन महारानी के खिलाफ उसके पास अभी कोई पक्का सबूत नहीं था। अगले दिन मिन सू से मिलने के लिए उसके घर में आता है। सू यहाँ पर राजा से ये कहती है मेरे पिता ने कुछ भी नहीं किया है और वो बिल्कुल बेकसूर है, इसलिए तुम उन्हें छोड़ दो। मिन अभी भी सू से प्यार करता था और वो उसे अभी भी हासिल करना चाहता था। इसके बाद वो सू को खुश करने के लिए उसके घर में बहुत सारे तोहफे भेजता है और वो राज्यसभा के सामने मंत्री को छोड़ने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता है क्योंकि मिन तो बस नाम का राजा था, सारे फैसले महारानी लेती थी। कुछ ही दिनों के बाद सू के पिता और उसके सारे करीबियों को मार दिया जाता है। अपने पिता की मौत की खबर को सुनकर सू बहुत रोती है। तभी राजा मिन यहाँ आते हैं। मिन उसके पिता के मौत के लिए उसे सॉरी कहता है, लेकिन सू उसे अपने पिता का कातिल समझती है जिसके वजह से मिन को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो सू से उसकी इकलौती दासी भी छीन लेता है। रात में मिन बहुत ड्रिंक करता है और वो उस दासी को अपने पास बुलाता है ताकि वो सू के बारे में उसे बातें कर सके, लेकिन ज्यादा पीने की वजह से उसे उस दासी में ही सू नजर आने लगती है। इसके बाद वो उस दासी के साथ जबरदस्ती करता है। वहीं इधर हम लोग सू को देखते हैं जो कि अपने बेटे के लाइफ के बारे में सोच रही होती है क्योंकि उसके पिता और पति दोनों को मार दिया गया था, और वो सोचती है अगर उसने कुछ भी नहीं किया तब उसके बेटे और उसे भी मार दिया जाएगा। वो यहाँ पर बहुत कुछ सोचती है। इसके बाद वो मीन के करीब जाने का फैसला करती है ताकि वो राजा के करीब रहकर अपनी और अपने बेटे की रक्षा कर सके। अगले ही दिन वो तैयार होकर मीन के पास में आती है और वो उसे अपने हरकतों से खुश करने की कोशिश करती है। मीन भी ये देखकर बहुत खुश होता है और वो सोचता है आखिर सू ने उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन सू उसे अभी अपने से दूर रहने के लिए कहती है। मिन यहाँ पर उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तब सू उसे ये कहती है जिस दिन तुम पूरी तरह राजा बन जाओगे तब मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। ये सुनकर मिन सीधा अपने माँ के पास में जाता है और वो अपनी माँ से ये कहता है अब महल के सारे फैसले मैं खुद करूंगा। ये सुनकर महारानी उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और वो कहती है तुम पहले एक बेटा पैदा करके दो, तब इसके आगे मैं कुछ सोचूंगी। अपनी माँ से ये सब सुनने के बाद वो दोबारा अपने काम में लग जाता है। उधर वो दासी भी ये सोचती है अगर वो मीन के करीब जाकर उसे एक बेटा दे देगी तब वो महारानी बन सकती है। इसके बाद वो मीन के पास आकर उसे रिझाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। वो दासी बहुत खूबसूरत थी इसलिए जब भी मौका मिलता था मीन उसके साथ भयंकर घपाघप करता था। वहीं सू उसे अपने पास आने नहीं देती थी और अब मीन अपनी पत्नी से उब चुका था। राजा मीन हमेशा सू के ख्यालों में डूबा रहता था, इसलिए वो सू को बदनाम करने के लिए उसे हो और सू के रिश्ते के बारे में बताती है और वो राजा से ये भी कहती है सू का जो बेटा है वो किसी और का नहीं बल्कि हो का है। ये सुनकर मीन को बहुत गुस्सा आता है और वो हो को अपने सामने बुलाकर उसकी सच्चाई सबके सामने रखता है, लेकिन जब हो अपना कटा हुआ छोटा चेतन दिखाता है तब राजा को ये यकीन आ जाता है कि हो ऐसा नहीं कर सकता है और उसे अपनी बातों के लिए पछतावा होता है। वो सू के पास में आकर अपने किए के लिए उससे माफी मांगता है। उसी रात महारानी के कहने पर उसका सलाहकार हो को सू और उसके बेटे को मारने के लिए जहर देता है, लेकिन हो उस जहर को राजा मीन को देने के बारे में सोचता है क्योंकि हो को ऐसा लगता था सू का जो बेटा है वो राजा का नहीं बल्कि उसका अपना है, क्योंकि जिस दिन वो सू से अलग हुआ था उसी रात हो ने सू की गुफा में बीज बो दिया था। इसलिए हो उस जहर को सू और उसके बेटे को देने के बजाय राजा मीन के खाने में मिलाता है, लेकिन मीन का मूड आज खाना खाने में नहीं था इसलिए मीन अपना खाना नहीं खाता है और वो अपने खाने को हो को खाने के लिए कहता है।
ये जानते हुए कि इस खाने में जहर है, हो को इस खाने को खाना पड़ता है। जैसे ही वो इस खाने को खाता है, उसे खून की उल्टियां होने लगती हैं। ये देखकर मिन उसे बचाने की कोशिश में लग जाता है, क्योंकि मिन ये जानना चाहता था कि उसके खाने में जहर किसने मिलाया। कुछ ही दिनों के बाद जैसे ही हो ठीक ठाक होता है, उससे पूछताछ की जाती है। हो यहाँ पर झूठ बोलता है। वो कहता है, राजमाता के कहने पर उनके सलाहकार ने मुझे ये जहर दिया था ताकि मैं आपके खाने में मिला सकूं और आप इस खाने को खाकर मर जाएं। और इसके बाद महारानी सारा इल्जाम सूखे कंधों में देकर उसे भी रास्ते से हटा दे। वो कहता है, महारानी इस राजपाट को पाना चाहती है, इसलिए वो आपको मुझसे मरवाना चाहती थी। ये सुनते ही मीन बहुत गुस्सा होता है और वो हो और महारानी के सलाहकार को मौत की सजा देता है। जब महारानी अपने प्रेमी को बचाने के लिए आगे आती है, तब मीन महारानी को भी सजा देता है और वो उन्हें नजरबंद करवा देता है। मीन अपनी माँ से ये पूछता है, आपने ऐसा क्यों किया? आपने राजगद्दी पाने के लिए अपने ही बेटे को मारना चाहा। ये सुनकर महारानी उससे कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जहर तो मैंने सुअर उसके बेटे को मारने के लिए दिया था, और मैंने ही तुम्हें राजा बनाने के लिए तुम्हारे सौतेले भाई राजा को मरवाया था ताकि तुम इस राजगद्दी में आसानी से बैठ सको। जब ये सच्चाई मीन अपनी माँ से सुनता है, तब वो बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो तो कभी भी राजा बनना नहीं चाहता था, वो तो अपने भाई से बहुत प्यार करता था। वहीं दूसरी तरफ सू हो को थैंक यू बोलती है, क्योंकि हो ने उसकी जान बचाई थी। हो उससे कहता है, मेरे बाद तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना। लेकिन यहाँ पर सू से बताती है, यह तुम्हारा नहीं बल्कि राजा ली का बेटा है, और अब मेरा तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं है। जब सब कुछ यहाँ ठीक हो जाता है, तब सू राजा मीन के पास में जाती है और वो अपने आप को उसे सौंप देती है। इसके बाद ये लोग यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। जब राजा मीन उसके साथ घपाघप कर रहा होता है, तभी सू मीन का दिया हेयर पिन को उसी के गले में घुसा देती है और वो उसे यहीं पर जान से मार देती है। कहानी के आखिर में हम लोग ये देखते हैं, सू ने महारानी को भी मरवा दिया है और अब वो सारा राजपाट अपने नाम पर कर लेती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।